अक्सर हम अपने भाग्य के लिए हाथ की रेखाओं को दोषी ठहराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की हाथ की रेखाओं से उसके भविष्य की गणना की जा सकती है। भविष्य का पता लगाने के लिए ज्योतिषियों का सहारा लिया जाता है। मामला चाहे शादी का हो या नौकरी का, फिर घर का हमारा भविष्य क्या होगा जानने के लिए हम अक्सर ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हैं। इन्हीं रेखाओं को ठीक करने के लिए जापान के लोग कुछ नया करने में लगे हैं। जापान में लोग अपने भाग्य, पैसा, सफलता, शोहरत और विवाह जैसी जुड़ी रेखाओं को ठीक कराने के लिए हथेली की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। इस सर्जरी में करीब $1,000 का खर्चा आता है। सर्जरी के लिए लोग अपनी शादी की रेखा को ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं जिस पर व्यक्ति को शादी करनी चाहिए। इसी तरह लोग मनी लक, भाग्य रेखा और अन्य रेखाओं को भी व्यवस्थित करवा रहे हैं। इस सर्जरी के लिए इलेक्ट्रिकल स्केपल की सहायता ली जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। देखने वाली बात यह है कि अभी तक लोग कितनी सर्जरी करवाएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।